हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टा रिव्यूज। तो आज हम बात करने वाले हैं बर्ड बॉक्स बार्सिलोना मूवी के रिव्यू के बारे में। अब फ्रेंड्स, आप बोल रहे होंगे कि ये मूवी कौन सी है। फ्रेंड्स, ये मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर, इसी वीक को रिलीज हुई थी। फ्रेंड्स, मैंने सोचा क्यों ना ये मूवी को देखा जाए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट पर बेस्ड मूवी बनाई गई है। पहले तो फ्रेंड्स, आपका पहले 5 मिनट में ही फ्रेंड्स इंटरेस्ट बन जाएगा अगर आप ये मूवी देखनी शुरू करेंगे। और फ्रेंड्स, आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी में अवेलेबल है मूवी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी मूवी थी, बात करूंगा इस मूवी के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर कोई भी इस चैनल पर नया आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं बर्ड बॉक्स बार्सिलोना। फ्रेंड्स, ये मूवी है तो बाहर की ही, बॉलीवुड की मूवी नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया मूवी थी और एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट पर बनाई गई है, जो कि फ्रेंड्स 2 घंटे से भी कम की मूवी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो आप इसे निपटा लेंगे बहुत ही जल्दी। और फ्रेंड्स, स्टोरी टाइमलाइन की बात करता हूँ अब। स्टोरी टाइमलाइन ऐसा है फ्रेंड्स, कुछ आप अगर बोलने स्टार्ट होती है मूवी, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग बाहर जाने से डर रहे हैं और जब भी वो किसी को देखते हैं तो वहां पर फ्रेंड्स वो सुसाइड कर लेते हैं, तो ऐसा क्यों है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लगा है भाई। इसमें आप वायरस बोल लीजिए, कोई दैवी शक्ति बोल लीजिए, कोई ऐसा चीज दिखाई गई है जिससे कि फ्रेंड्स वो फैला हुआ है पूरे वहां पर शहर में, और वहां पर जब भी कोई बाहर निकलता है अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर निकलता है। अगर वो कोई भी अपनी पट्टी खोलता है तो फ्रेंड्स वो बाहर कुछ ऐसा वायरस फैला रखा है कि उसे देखकर वो सुसाइड कर लेता है। तो फ्रेंड्स, पूरी मूवी इसी पर बेस्ड है और लास्ट में हम देखते हैं कि कौन कौन बचता है, कौन कौन नहीं बचता। तो फ्रेंड्स, यही सारी मूवी थी। स्टोरी टाइमलाइन बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की बात करें भाई, मैं कुछ खास एक्टर्स को जानता तो नहीं हूँ, लेकिन फ्रेंड्स जो भी एक्ट्रेस इसमें एक्टिंग किए हैं, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग लगी मुझे। डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी बहुत ही बढ़िया था, एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से उठाया गया, जो कि फ्रेंड्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। और उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप एंटरटेनमेंट की बात करें फ्रेंड्स, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की कमी तो आपको लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स हॉलीवुड की मूवी है, ये बॉलीवुड की मूवी तो है नहीं यहाँ पर, और भाई कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसकी वजह से एंटरटेनमेंट की कमी तो आपको लगेगी। और लास्ट में फ्रेंड्स, अगर सस्पेंस लेवल की बात करें, सस्पेंस लेवल फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया था। आप एक बार मूवी जरूर देखिए तो उसमें आपको सस्पेंस लेवल पता लगेगा, क्या सस्पेंस था और क्या किस टाइप का वायरस था भाई, जिसके कारण लोग देखते ही सुसाइड कर लेते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था मेरे लिए, जो भी 2 घंटे मैंने मूवी देखी है। तो फ्रेंड्स, इसी बेस पर अगर इस मूवी को रेटिंग्स देना चाहूंगा तो मूवी को रेटिंग्स दूंगा 5 में से 3.5 स्टार्स रेटिंग। बहुत ही बढ़िया मूवी थी, 1 टाइम वॉच है, आप इसे जरूर देखिए नेटफ्लिक्स पर जाकर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।